किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुबोटा MU4501 ट्रैक्टर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रैक्टर हो रहा है इस समय। और आप लोगों के बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर 4501 का रिव्यू कीजिए। तो आज हम आपको किसान भाइयों इसका कंप्लीट रिव्यू दिखाएंगे, साथ में इसके ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे और साथ में ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनवाएंगे और चलाकर भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप इसके सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करिए और उसके बाद मिलते हैं आपसे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. सिनेमैटिक आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के फीचर्स की। तो फ्रंट एक्सल से शुरुआत करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी इसके अंदर फ्रंट एक्सल लगाया गया है, जो कि अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल इसके अंदर लगाया गया है। फ्रंट टायर की बात करेंगे तो MRF के फ्रंट टायर हैं, 6000/16 के यहाँ पर आपको साइज देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शनल में आप 7050/16 के भी ले सकते हैं। और रिम का जो यहाँ पर कलर है वो रेड कलर दिया गया है। और अगर इसके बोनेट की बात करेंगे तो पूरा सिंगल पीस बोनेट है, देख पा रहे होंगे आप कितने ही स्मूथली ये ओपन हो जाता है। सिंगल गैस स्टेट लगी हुई है इसके अंदर और काफी ज्यादा स्मूथली ये ओपन हो जाता है। एयर क्लीनर की बात करें तो ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का एयर क्लीनर इसके अंदर दिया गया है, जो कि चोकिंग सेंसर के साथ में दिया गया है, जिसमें कि अगर आपका फिल्टर चोक हो जाता है तो आपको इंडिकेट करता है ये आपके डैशबोर्ड के अंदर। साथ में फ्रंट में इसकी बैटरी दी गई है, जो कि एक तरीके से वेट का भी काम करती है और चोरी वगैरह होने का खतरा भी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और ये कंपनी फिट आपको बंपर इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी बंपर इसके अंदर लगाया गया है। इंजन की यहां पर बात करेंगे तो इसके अंदर 4 सिलेंडर का 45 HP का 2434 cc का इसके अंदर इंजन लगाया गया है, जो कि 2500 RPM पर अपनी मैक्सिमम पावर ये जनरेट करता है, जो कि कुबोटा का खुद का इंजन है। एक V2403 MDI E3 इंजन है ये किसान भाइयों, जो कि कुबोटा का खुद का इंजन है। और इनलाइन फ्यूल पंप इसके अंदर दिया गया है, जो कि किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे चाबी से ही ट्रैक्टर आप बंद कर सकते हैं और चाबी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लीवर आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर इसके डबल पंप लगाए गए हैं, एक हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है और एक आपका पावर स्टीयरिंग के लिए लगाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री पंप इसके अंदर लगाए गए हैं और एडवांस तकनीक इसके अंदर लगाई गई है। साथ में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी छोटे साइज में ये इंजन है, जो कि किसान भाइयों नॉन टर्बो इंजन है, जबकि 55 HP में आपको टर्बो से लैस यही इंजन देखने को मिलता है। डबल आपको इसके अंदर जो है डीजल फिल्टर मिलेंगे, साथ में आपको वाटर सेपरेटर इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि डीजल से पानी को अलग करने का काम ये करता है। और प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो बिल्कुल ही फ्लैट प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल खुला डुला प्लेटफॉर्म दिया गया है। और फ्रंट में आपको कुबोटा का लोगो भी देखने को मिल जाएगा और हैलोजन टाइप की इसके अंदर जो है हेडलाइट दी गई है। और फ्रंट में यहां पर ये जाली दी गई है, जो कि ठंडी हवा को रेडिएटर तक भी पहुंचाती है और लुक को भी काफी आकर्षक लिए बनाती है। साथ में अगर आप देखते हैं तो यहां से आप इसके बोनट को काफी इजिली ओपन कर पाएंगे। और एक्सल जैसा कि मैंने आपको बताई दिया था, बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी इसके अंदर फ्रंट एक्सल लगाया गया है। और इसके स्टेयरिंग की बात करेंगे तो डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग दिया गया है, साथ में अगर आप देखते हैं तो चढ़ने के लिए आपको पायदान इसमें देखने को मिल जाएगा। और प्लेटफॉर्म जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बिल्कुल ही फ्लैट प्लेटफॉर्म है। गियरबॉक्स की बात करेंगे तो सिंक्रोम है, साइड सेफ्टी इसके अंदर गियरबॉक्स दिया गया है, जो कि लोअर हाई और रिवर्स के साथ में इसका जो है गियर लीवर आपको देखने को मिलेगा। और ये पीटीओ के लिए बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट इसके अंदर जो है क्लच दिया गया है।
बिल्कुल अलग से वीडियो के लिए लीवर दिया गया है। साथ में अगर आप देखते हैं तो मेन गियर लीवर के ऊपर 4 गियर दिए गए हैं, यानी कि टोटल इसके अंदर 8 फॉरवर्ड प्लस 4 रिवर्स गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, इसके अंदर एक चीज़ खास मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिफरेंशियल लॉक भी इसके अंदर दिया गया है किसान भाइयों, जो कि बहुत सारे ट्रैक्टरों में अब कंपनियों ने देना बंद कर दिया है। साथ में अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको डबल हाइड्रोलिक कंट्रोल देखने को मिलेंगे, एक डीसी लीवर और एक इसके अंदर पीसी लीवर। साथ में स्टेयरिंग देखेंगे तो काफ़ी छोटे से स्टाइल का स्टेयरिंग है और काफ़ी स्मूथली आप इसे ऑपरेट जो है कर सकते हैं। साथ में इसके बीच में आपको कुबोटा की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि दिखने में भी काफी आकर्षक लगती है। और राइट साइड में इसके आपको इसकी हैंड वाली रेस देखने को मिल जाएगी, जिसे कि काफी स्मूथली आप ऑपरेट कर सकते हैं। डैशबोर्ड बिल्कुल ही न्यू लुक के साथ में डिजाइन किया गया है, एनालॉग आरपीएम मीटर, डिजिटल आवर मीटर और फ्यूल का मीटर और टेम्परेचर का मीटर इसके अंदर वो भी आपको एनालॉग ही देखने को मिल जाएंगे। साइड में आप कंसोल देखेंगे तो काफी शानदार इसका कंसोल जो है मीटर कंसोल बनाया गया है। और ये इसके लाइट वगैरह के और इंडिकेटर के जो है कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें कि काफी स्मूथली आप ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं पर इसके राइट साइड में इसका जो है स्विच दिया गया है, जिससे आप ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, बंद भी इसी से ही कर सकते हैं किसान भाइयों, अलग से कोई लीवर नहीं खींचना पड़ेगा। वहीं पर इसके पैडल्स की बात करें तो सस्पेंडेड टाइप दिए गए हैं, जो जैसे कि आपको कारों में देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार के इसके अंदर जो है ब्रेक और क्लच पैडल दिए गए हैं। और अगर इसके ब्रेक्स की बात करें तो ऑयल मस्ट मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक इसके अंदर किसान भाइयों दिए गए हैं। साथ में साइड में आपको मिरर देखने को मिल जाएगा, काफी बड़ा यहाँ पर इसके अंदर मिरर दिया गया है, जो कि पीछे से आ रहे व्हीकल को रिफ्लेक्ट करता है और आपको इंडिकेट करता है। साथ में अगर आप देखते हैं तो प्लेटफॉर्म बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल खुला डुला प्लेटफॉर्म है, बैठने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ में अगर आप देखते हैं तो पैर वाली रेस मिल जाती है, जो कि काफ़ी स्मूथली ऑपरेट होती है। साथ में काफ़ी बड़े इसके अंदर मडगार्ड डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि काफ़ी आसानी से जो है पिलियन इसके ऊपर बैठ पाए। साथ में अगर बात कर लें इसके डिज़ाइन की, तो काफ़ी शार्प लुक इसका किसान भाइयों बनाया गया है। और अगर इसके डीजल टैंक की भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो 60 लीटर का इसके अंदर डीजल टैंक दिया गया है, जो कि किसान भाइयों किलो के साथ में ये दिया गया है, जिसे कि आप लॉक कर सकते हैं। साथ में अगर बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल जो है ऊपर से अगर बैठ के कंफर्ट की, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रैक्टर है। साथ में अगर आप देखते हैं तो बैक टायर इसमें 14/28 के MRF के ही आपको देखने को मिलते हैं। और रिम का जो यहाँ पर कलर है वो रेड कलर किसान भाइयों दिया गया है। अब चलते हैं इसके पिछले हिस्से की तरफ, तो पीछे के इंडिकेटर आप देखेंगे बिल्कुल ही न्यू लुक के साथ में डिज़ाइन किए गए हैं, बट थोड़ा सा डिसएडवांटेज यही है कि ये जो है हेलोजन टाइप के इंडिकेटर हैं। साथ में आपको रिफ्लेक्टर पीछे देखने को मिल जाएगा और पीछे ही इसका टूल बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। और बीच में सपोर्टिंग पाइप लगाया गया है, जिससे कि मडगार्ड की वाइब्रेशन को कम किया जा सके। साथ में नंबर प्लेट लगाने के लिए भी आपको जगह दी गई है। और साथ में अगर आप देखते हैं तो टूल बॉक्स जो है इसके अंदर वो किसान भाइयों फाइबर का ही दिया गया है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है। साथ में बोतल होल्डर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और अब अगर बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसकी जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो इसके अंदर आपको जो है 1640 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और इसकी जो लिंकेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी बनाई गई हैं। और अगर पीटीओ की बात करेंगे तो उस पहले मैं आपको दिखा देता हूं, सेंसिंग के लिए भी यहां पर आपको 3 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। पीटीओ इसके अंदर डबल पीटीओ के साथ में ट्रैक्टर आता है, 540 प्लस रिवर्स या 540 प्लस मल्टी स्पीड पीटीओ आप इसके अंदर ले सकते हैं। और इसी के जो है पिछले एक्सल की बात करें तो प्लेनेटरी प्लस के साथ में इसके जो है रियर एक्सल दिए गए हैं, जो कि किसान भाइयों इसके अंदर कोई भी टूट फूट नहीं होगी, काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाले ये रियर एक्सल इसके अंदर दिए गए हैं। साथ में अगर बात कर लें पीटीओ की, तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया डुअल पीटीओ के साथ में पूरा ये ट्रैक्टर आता है। और पीटीओ एचपी की बात अगर हम कर लें तो 39 HP की पीटीओ पावर मिलेगी और एडजस्टेबल इसके अंदर हिच देखने को मिलेगा, जिसे कि आप ऊपर या नीचे एडजस्ट कर पाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी इसके जो है हिच के लिए प्लेट्स ये लगाई गई हैं। और बात कर लें किसान भाई इसकी बैकलाइट की, तो गोल स्टाइल के साथ में ब्लैक कलर के साथ में इसकी बैकलाइट दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी रोशनी देती है। और पीछे से अगर बात कर लें इसका जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इंडिकेट भी किया गया है कि 750 और बीच में न्यूट्रल और पीछे की तरफ 540, यानी कि ये जो ट्रैक्टर का मॉडल है ये मल्टी स्पीड वीडियो के साथ में है। और पीछे से ओवरऑल लुक आपको कुछ इस प्रकार का इसका देखने को मिल जाता है। अब जो है ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनवाते हैं, और ये हम आपको आवाज़ सुनवा रहे हैं रेल को। और आवाज़ आप लोग सुन ही रहे हैं, कितनी प्यारी आवाज़ है ट्रैक्टर की, जैसे कि बुलेरो की आवाज़ होती है उस तरीके की आवाज़ है। और वाइब्रेशन का तो कोई मतलब है ही नहीं इसके अंदर, आपको पता ही होगा इतना तो। और ये आप किसान भाई आपको जो है चलाकर दिखा रहे हैं ट्रैक्टर को, कितना स्मूथली ये जो है चलता है देख सकते हैं आप।
तो ये था इस ट्रैक्टर का किसान भाइयों कंप्लीट रिव्यू। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन एंड वेट की। तो 1850 किलोग्राम इसका जो है टोटल वेट है। इसके व्हील बेस की बात करें तो 1990 mm दिया गया है। इसकी लेंथ की बात करें तो 3100 mm दी गई है। इसकी विड्थ की बात करें तो 1865 mm दी गई है, जो इसकी चौड़ाई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 405 mm दिया गया है, जो कि अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। टर्निंग रेडियस की बात करें तो कुल 2800 mm में आप इसे जो है ट्रैक्टर को ब्रेक के साथ में मोड़ सकते हैं, तो सबसे कम टर्निंग रेडियस भी आप मान सकते हैं इसे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के प्राइस की। तो इसके जो प्राइस हैं वो 6,40,000 से लेकर 6,80,000 के बीच में इस ट्रैक्टर के ऑन रोड प्राइस हैं, जो कि स्टेट वाइज आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो से जुड़ा अब भी अगर आपके दिमाग में कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक आप पूछ सकते हैं। और फिर मिलेंगे आपसे अगली ऐसी किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।